अगर तुम्हारा टारगेट है 10th माइल तो एम फॉर द 11th माइल। खुद से बढ़कर यहां कोई तो रमखान नहीं, जो अच्छा लगे वो करो, किसी की बात मत सुनो, इंसानियत की बात तो बिल्कुल नहीं। आखिर क्या होगी फिल्म की कहानी और क्या याद दिलाएगी फिल्म हमको, कैसी होगी फिल्म की स्टार कास्ट। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, आप लोगों को जैसे पता ही है कि ट्रिपल आर फिल्म जल्द ही अपने फैंस से मिलने के लिए तैयार है, तो फिल्म अगले साल जनवरी में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के रिलीज के साथ साथ ही फिल्म के सीक्वल की खबरें भी आना शुरू हो गई हैं, और हमने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि R4 नाम की फिल्म जो कि ट्रिपल आर फिल्म की सीक्वल होने वाली है। फिल्म मेकर्स का कहना है कि इस फिल्म की कहानी इस तरह से बनाने की तैयारी है जो लोगों को अपनी तरफ खींचने के लायक होगी। वैसे ट्रिपल आर देखने के बाद लोग समझ जाएंगे कि फिल्म कितनी शानदार होने वाली है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म की कहानी कुछ इस तरह की हो सकती है जैसे कि ट्रिपल आर की कहानी को जहां खत्म किया जाएगा वहीं से फिल्म R4 की कहानी शुरू की जाएगी। फिल्म की कहानी हमको राजा महाराजाओं के जमाने की याद दिलाएगी, और फिल्म में सब एक्टर्स को ओल्ड लुक में भी देखा जा सकता है। सभी एक्टर्स के स्पेशल लुक्स की तैयारी भी जल्द शुरू की जा सकती है। आपको बता दें कि इस फिल्म को एक बड़े बजट के साथ बनाने की तैयारी की जा रही है जो पहले ही कई बड़ी बजट फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। इस फिल्म को भी बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली ही डायरेक्ट करने वाले हैं। फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो फिलहाल ट्रिपल आर में रामचरण और अजय देवगन को इस फिल्म में कंटिन्यू करने की बात कही जा रही है, जिसके लिए दोस्तों उनसे बात भी की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जूनियर NTR को इस फिल्म में नहीं देखा जाएगा, और दोस्तों फिल्म की फीमेल लीड के लिए आलिया भट्ट का नाम सामने नहीं आया है जो फिल्म ट्रिपल आर में नजर आने वाली है। तो आप लोग भी क्या R4 के बारे में और जानना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हम फिर एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है अनामिका गुप्ता।